नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। अपने इस खास कार्यक्रम नगर निगम चुनाव 2021 में, बेशक नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं और तीन नगर निगमों में धर्मशाला, मंडी और पालमपुर में मेयर और डिप्टी मेयर का चयन भी हो गया है, पर सोलन नगर निगम में अभी यह तय नहीं हो पाया है कि मेयर और डिप्टी मेयर कौन होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोलन नगर निगम में कांग्रेस के सह प्रभारी रहे केवल सिंह पठानिया। पठानिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रदेश जी। जी, इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं परिचय देता हूं कि स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सहयोगी जीवन ऋषि जी भी शामिल हैं। और अपने दर्शकों के लिए मैं बता देता हूं कि सोलन नगर निगम में कांग्रेस ने केवल सिंह पठानिया और राजेंद्र राणा की जोड़ी को पहली बार चुनावों के अखाड़े में उतारा एक साथ, और इन्होंने वो करके दिखाया जो आज तक किसी ने वहां नहीं किया है। इन्होंने वहां भाजपा के लिए कड़ी, ना केवल कड़ी चुनौती पेश की बल्कि 9 सीटें जीतकर पहली बार पार्टी वहां सुख स्थिति में पहले ही चुनावों में पहुंची है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पठानिया जी। मेरा पहला सवाल, सोलन में जीती हुई बाजी अब कहाँ फंस गई है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दिव्य हिमाचल का, और मैं स्टूडियो में आ जाया हूँ, आप सब लोगों का धन्यवाद। जहाँ तक नगर निगम के चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, और उसमें मैं जहाँ आपने कहा बड़े भाई जिंदर राणा जी हमारे को सहयोग रहा, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जो विधायक हर्षवर्धन जी थे जी, साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक आदरणीय बराकटा जी, और खासकर जो डायरेक्शन हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री कुलदीप राठौर जी की रही, तो कुल मिलाकर ये सारा जो टीम वर्क था, और खासकर हमारे वहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे हैं, और मैं कहा वरिष्ठ विधायक हैं और स्थानीय विधायक सोलन के आदरणीय कर्नल धनीराम सांडिल जी, उन्होंने और वहाँ की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने पिछले लंबे समय से, जब मैं प्रभारी वहाँ का बना, तो संगठनात्मक तरीके से आदरणीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से ऊपर से डायरेक्शन आती गई, और हम सबसे पहले हमने वहाँ नगर निगम चुनावों से पहले ही वहाँ सोलन के अंदर आदरणीय कर्नल धनीराम सांडिल जी हमारे वर्किंग कमेटी के जो सदस्य रहे हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे संजीव जी हैं, अंकुश सूद जी हैं जो हमारे शहर के बहुत एक्टिव अध्यक्ष हैं, और उनकी धर्मपत्नी भी जो है वो ईशा परासर जो है वहाँ से वार्ड नंबर 12 से चुनाव जीती है। तो पहले हमने जो सोलन नगर निगम का चुनाव था उससे पहले वहाँ हमने पहले संगठन को खड़ा किया, और संगठन के साथ साथ जो है मैं कहता हूँ वहाँ असमंजस था, क्योंकि लंबे समय के बाद आपने अगर पिछली नगर पालिकाएं देखें, लंबे समय के बाद सोलन के अंदर जो है संगठन और सभी वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से, और खासकर हमारे जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी, उन्होंने पहली बार मैं कहता हूँ नगर निगम के चुनाव में जिस तरीके की टीम उन्होंने वहाँ बनाई, और टीम और कांग्रेस कमेटी ने इकट्ठा काम किया, तब आज जो हम परिचर्चा में बैठे हैं सोलन नगर निगम आपके हिसाब से तो ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी। आपने 9 सीटें जीत के आप वहाँ आए हैं जी। जी, 13 अप्रैल को मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, भाजपा क्विट कर गई, भाजपा नहीं आई, तो कहाँ आपको क्या लग रहा है जीती हुई बाजी कहाँ फंस के रह गई? मैं राजेश जी आपको बताऊं कि मैं पिछले कल का, क्योंकि कितना सबसे पहले तो जो हमने मंगाई और वो जो मूलभूत मुद्दे वहाँ उठाए, जनता ने हमारे को समर्थन दिया, मैं हाथ जोड़ के सोलन की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के समर्थित बहुमत हमारे को दिया। पिछले कल जब वहाँ हमारा ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, 12 मिनट हमारे पार्षद लेट हुए और प्रशासन वहाँ से चला गया, वे तो कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ विधायक हर्षवर्धन जी, जिंदर राणा जी, कर्नल धनीराम सांडिल जी इंटरवीन किए, तब जाकर वो पहली बार हुआ है कि जो चुने हुए पार्षद वहाँ बैठे हैं और प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रशासन को सोलन की जनता का ये सेंटीमेंट था, प्रशासन को वहाँ इंतजार करना पड़ा, उल्टा सोलन की जनता का जो चुना हुआ मैंडेट था, मैं कहता हूँ कुल मिलाकर पिछले कल जो घटना हुई है, कोरम की बात बाद में करूँगा, वो एक डेमोक्रेसी में सोलन की जनता को एक ठेस पहुँची है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि सोलन ने जो जनमत दिया है उसको वहाँ ओथ टेकिंग सेरेमनी में, जहाँ तक आपने बात कही कि जनमत आया था जब 3 कारपोरेशन के चुनाव हो गए, तो सोलन के अंदर भी सोलन की जनता भी जल्दी जाती है मेरे डिप्टी मेयर बने, फैसला उन्होंने दे दिया। लेकिन ये मैं पिछले लगभग मैं कहता हूँ पिछले जब से जिला परिषद के चुनाव हुए, ब्लॉक समिति के चुनाव हुए, ये हिमाचल प्रदेश में नई प्रथा चली है, खरीदो फरोख्त की प्रथा चली है, और जिस तरीके से सरकार मैं कहता दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, यही कारण कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी कल सप्त में आना चाहिए था, सप्त में वो हाजिर लगाते हैं, तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि
सोलन की जनता का जो मैंडेट है 16 तारीख को भी जो है मेयर और डिप्टी मेयर जो कांग्रेस पार्टी का वहाँ बनेगा। सरकार दबाव की राजनीति कर रही है, लेकिन दबाव की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती। आपको पता है कि अब 9 पार्षद पहली बार हिमाचल प्रदेश में कॉरपोरेशन जो खासकर सोलन मंडी और पालमपुर के अंदर बनी है, चुनाव चिन्ह पे वोट, चुनाव चिन्ह पे इसको क्या समझे, सोलन में क्या समझे, पठानिया जी को कुछ भू आ रही है वहाँ की, कुछ जैसे लेट हो गए होने वाला है कुछ। मैं कहता हूँ सोलन की जनता ने सेंटीमेंट दिया, मेयर डिप्टी मेयर कांग्रेस के बनेंगे, हमारी टीम ही टीम वर्क है वहाँ, टीम वर्क ही ऐसा है। और आदरणीय मैं कहता हूँ ये तो हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राजीव शुक्ला की डायरेक्शन है और कुलदीप राठौर का नेतृत्व है, मेरे को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ भी कोशिश करेगी, फिर कोशिश वो करेगी। लेकिन कांग्रेस के 9 पार्षद कल भी आपने देखा होगा वो टेकिंग सेरेमनी में हम इकट्ठे थे, मेयर और डिप्टी मेयर जो है कांग्रेस पार्टी का बनेगा। सवाल वहीं से है जो आपने खत्म की बात कि पार्षदों को आने में देर हुई और भाजपा के पार्षद आए नहीं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे भाजपा कोई, आपने देखा होगा कि लगभग कितनी ब्लॉक समितियों को, मैं आपको सापर की एग्जांपल दे दूं, मैं सैकड़ों एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं कि जहां नॉम्स को भी पीछे हटा के क्योंकि डेट अगली डेट तय की जानी थी, तो ये प्रेशर ग्रुप खरीदो फरोख्त की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। लेकिन इससे मैं कहता हूं इससे जो हमारे कांग्रेस के चुने हुए पार्षद हैं बड़े ईमानदार पार्षद हैं और हमारे को पूर्ण भरोसा है मेयर और सरकार, आप मैं कहता हूं आपने जो प्रश्न किया है सरकार अभी भी कोशिश कर रही है। देर करने का मतलब क्या है, जब आप 3 कॉरपोरेशन के चुनाव हो गए हैं तो आपने सोलन में क्यों भारतीय जनता पार्टी ने, इसका मतलब वो एक तो सोलन की जनता ने उनको हरा दिया है, ओथ टेकिंग सेरेमनी ने भी हरा दिया, उसके बावजूद भी जो आपका प्रश्न है जीवन जी और राजेश जी की, कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि वो ये दो रातें बची हैं इसमें दबाव बनाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। पठानिया जी की क्या रणनीति रहेगी हमारी, तो अब हमारे जो कांग्रेस पार्टी की, पठानिया इंडिविजुअल नहीं है, पठानिया भी नहीं, कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है, चाहे राणा जी हो, हर्षवर्धन जी हो, बराकटा जी और राठौर जी का हमारा जो अध्यक्ष है, सब लोग क्योंकि उनको वहाँ प्रभारी लगाया गया वही ऊपर ओवरऑल देख रहे हैं, तो कुल मिलाकर हमारा तो ये है कि जब 16 तारीख को चुनाव हो 9 के 9 पार्षद हमारे जाएं, और पिछले जब जाएंगे उससे पहले मेयर और डिप्टी मेयर, क्योंकि रिजर्व कैटागरी का वहाँ मेयर है और डिप्टी मेयर दोनों के हम कैंडिडेट देंगे, और हम 16 तारीख को कांग्रेस पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर इसलिए बनेगा कि सोलन की जनता ने लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी को जो है, मैं कहता हूँ नगर पंचायत पहले नगर परिषद थी अब कॉरपोरेशन में वहाँ समर्थन दिया है। जी जी, मैं पठानिया जी पालमपुर पे आता हूँ, पालमपुर में आपकी पार्टी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि वहाँ तो एक तरफा ही हो गया, 11 सीटें जीत के आप आ गए, पर पालमपुर में अब चर्चा ये चल पड़ी है कि पालमपुर में जीत कांग्रेस की जीत अगर एक तरफा ही कहें तो नहीं है, पालमपुर में अगर भाजपा की हार है तो वो भाजपा ने ही भाजपा को हरवाया है, वहाँ कुछ गुटबंदी ऐसे हो गई, तो इसको कैसे देखते हैं आप? मैं जो जीता वो सिकंदर, जब आप किसी चीज को जीत जाते हो तो जो जीता वो सिकंदर, जो मैंडेट है वो मैं कहता हूँ वहाँ भी कांग्रेस पार्टी की जीत है, और हमारे वहाँ के स्थानीय विधायक छोटे भाई आशीष पटेल जी को जो प्रदेश के महामंत्री हैं लंबे समय के, उनके पिताजी ने नेतृत्व किया है और उन्होंने पालमपुर की, मैं कहता हूँ पालमपुर को अगर जो मैं कहता हूँ एक किस्म का, चाहे आप हॉस्पिटल से लेकर, चाहे वो आपकी कॉरपोरेशन से लेकर, चाहे मैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो है जो भी काम किया आदरणीय विजय भाई पटेल जी ने किया, और अब आशीष पटेल जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वहाँ भी आपको बता दूं आदरणीय हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी, रामलाल ठाकुर जी, ये जो लोग लगाए थे, और इसके साथ साथ आशा कुमारी जी जो हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हमारी सदस्य रही हैं, पंजाब की प्रभारी रही हैं, कुल मिलाकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो कोऑर्डिनेशन रहा और वहाँ की जनता को 3.5 साल में, आपको बता दूं चाहे सोलन हो चाहे पालमपुर हो, 3.5 साल में जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हर चाहे वो चाहे मैं आपको कोरोना काल हो चाहे हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फेल हुई है, चाहे वो आज बेरोजगारी की बात ले लो, चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात ले लो। और मैं एक बात बता दूं आपको कि इसका मानो चाहे चना चाहे 4 चुनाव हुए मंडी, धर्मशाला, सोलन और पालमपुर के अंदर, कुल मिलाकर सीटें थी 29 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, नंबर गेम्स है। कल को आज आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री हैं क्योंकि नंबर उनके पास है। कुल मिलाकर चारों कॉरपोरेशन का हम अगर रिजल्ट देखें तो हम एक ऊपर हैं भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है
आपने मुख्यमंत्री को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके भी मंडी में चार चार धर्मशाला के अंदर भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर इन टोटल देखें तो कांग्रेस पार्टी एक सीट भारतीय जनता पार्टी की चारों कॉर्पोरेशन में आगे है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, सोलन में हटके काम हुआ, सभी बोल रहे हैं कि कांग्रेस वहाँ बैकफुट पे थी, एक प्लानिंग के साथ आए तो आगे जीत गई कांग्रेस। लेकिन धर्मशाला में तो चुनावों से पहले ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो क्लीन स्वीप कर रही है, भाजपा कहीं नहीं है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट इसके उलट हुआ। तो यहाँ तो धर्मशाला में आपको मानना पड़ेगा कि प्लानिंग फेल हुई है और संगठन कमजोर है बीजेपी के मुकाबले, तो धर्मशाला में हार इसी वजह से हुई क्योंकि यहाँ प्लानिंग नहीं थी। नहीं, मैं प्लानिंग यहाँ भी अच्छी थी, लेकिन कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट के दो दिनों में धर्मशाला के अंदर घटा है, जितने पैसे का मैं कहता हूँ दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, मैं कहता हूँ सरेआम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि जो लोग यहाँ पे मैं कहता हूँ आदरणीय हिजहोलीनेस यहाँ रहते हैं और वो शान है हमारे इस हिमाचल प्रदेश की, उनके कारण हमारा बड़ा पर्यटन और मैं कहा अंतर्राष्ट्रीय मैप पर हमारा धर्मशाला आता है। तो कुछ डायरेक्शंस ऐसी जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्रालयों से आई, उसके साथ साथ लास्ट के दो दिन में मैं कहता हूँ इतना पैसा बंटा, सरकारी मशीनरी का इतना दुरुपयोग हुआ, उसके बावजूद भी हम सात लोग जीत के आए, ऐसा नहीं है। ऐसी चीजें सोलन में भी हुई होनी, लेकिन धर्मशाला में मान के चल रहे थे सारे कि धर्मशाला में कांग्रेस काफी आगे है, ये तो परसेप्शन थी, आमजन में भी मीडिया में भी ऐसी खबरें आ रही थी, किसी को इवन काफी सारे लोग बोल रहे थे, लेकिन धर्मशाला में रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए हैं और उसका सीधा सीधा कारण यही माना जा रहा है कि यहाँ संगठन है ही नहीं, मतलब रिमोट से चीज़ें चलती हैं। बड़े सारे जो कांग्रेस के नेताओं के बारे में कहते हैं कि वो उनका संगठन पे काम करते हैं और रिमोट से चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं तो कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी में कुछ भी रिमोट से नहीं चलता है। ये ठीक है, हमारे हैं, धर्मशाला की जनता ने जन्म दिया है। मैं उन मेयर आदरणीय नैरिया जी को और सर्वचंद जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब जो लोकतंत्र में जो जीत गया और धर्मशाला की जनता का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। नई कॉर्पोरेशन, नया मेयर और डिप्टी मेयर दिया है, लेकिन अब की जनता ये जरूर चाहेगी जो वादे 150 करोड़ रुपया आरोप लगाते रहे हैं कांग्रेस के कॉर्पोरेशन के ऊपर, वो खर्चा नहीं गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय साढ़े तीन साल पहले मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी बने थे, आज भी वो प्लेटें वैसे के वैसे जो उद्घाटन उन्होंने किए, अब जनता धर्मशाला की जनता ये जरूर चाहती है, कांगड़ा का मुख्यालय है, कि जो 150, 200, 300, 400 यहां के प्रभारी मंत्री भी कहते रहे कि 400 करोड़ रुपया कांग्रेस की कॉर्पोरेशन में नहीं, तो वो अब कॉर्पोरेशन बन गई है। और मैं बताऊं, आज जो धर्मशाला दिख रही है, जो धर्मशाला है वो कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। जितने भी आज स्मार्ट सिटी का नंबर वन पे, अगर स्मार्ट सिटी देश के अंदर नंबर वन अगर स्मार्ट सिटी बनी तो वो राजा वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, सुधीर शर्मा जी यहाँ मंत्री थे स्मार्ट। और ये नहीं है, काम लोगों के बीच में काम की चर्चा थी, लेकिन ठीक कहते हैं जीवन जी, कहीं ना कहीं हमारे से कुछ ऐसी जिससे जनता हमारे को क्लीन स्वीप नहीं दे पाई कहीं ना कहीं, और उसका उस पे भी कांग्रेस पार्टी जहां जीती है वहां हम उनकी जनता की पालनपुर सोलन में जिम्मेवारी निभाएंगे। जहां हम पीछे रहे हैं तो अपनी कमियों को दूर करने की कांग्रेस पार्टी जरूर कोशिश करेगी और निकट भविष्य में। और मैं अंत में ये जरूर कहना चाहूंगा, कॉर्पोरेशन सोलन के अंदर पालमपुर के अंदर कांग्रेस की बनी है, कांग्रेस के मेयर डिप्टी मेयर को भी काम करना पड़ा है, वो शहर आगे बढ़ना चाहिए। बड़ा अच्छा आज मैंने कहा संपादकीय आपका पड़ा, मेयर और डिप्टी मेयर अच्छा लिखा है हिमाचल ने, मेयर और डिप्टी मेयर तो बन गए लोगों की, कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, राजनीति होगी, मुख्यमंत्री हो पूर्व मंत्री हो, उनकी आपस में जनता को जो हमने कहना था वो कह लिया, लेकिन अब शहर आगे बढ़ने चाहिए। वही धर्मशाला की जनता ने जो जन्म दिया है, धर्मशाला पालमपुर मंडी और सोलन आगे बढ़ने चाहिए, ये लोगों ने जन्म दिया और मुझे पूर्ण आशा है जो जन्मदिन को मिला है। और मैं आपको बता दूं, डेढ़ साल बचा है, डेढ़ साल के अंदर इन्हीं मेयर डिप्टी मेयर को अच्छा काम करना पड़ेगा, विधानसभा के चुनाव 2022 में सामने है, ये तो सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल में कुल मिला के बताऊं कांग्रेस जीती है और 2022 का फाइनल भी हम जीतेंगे। पठानिया जी, आपने जिक्र किया कि हमने बड़ा अच्छा लिखा संपादकीय में मेयर और डिप्टी मेयर, हम तो हमेशा लिखते रहे हैं, हमेशा हिमाचल हित की बात लिखते रहे, उठाते रहे, हर मंच पे बोलते रहे, पर दुर्भाग्य ये है कि ना तो सरकारें, जब चाहे कांग्रेस की है वो ध्यान नहीं देती, जब भाजपा की है सत्ता में आती है वो ध्यान नहीं देती, ये दुर्भाग्य। खैर, इसको छोड़ते हैं। आपने जिक्र किया कि धर्मशाला में स्मार्ट सिटी कांग्रेस लाई, आपने जिक्र किया कि अब निखर रहा है शहर, पर इस बीच एक आरोप आया, आपने सुधीर शर्मा का जिक्र किया कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, इस बीच एक आरोप आया कि भाई कांग्रेस ने 12 करोड़ रुपए खर्च करके ट्यूलिप गार्डन बनाया,
और उसमें सिर्फ 3 ट्यूलिप खिले। इसमें मैं आपको बताऊँ, ट्यूलिप गार्डन जहाँ सुधीर शर्मा जी ने अच्छा, कभी हमारे कॉरपोरेशन के जो मेयर थे देवेंद्र जग्गी जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कॉरपोरेशन को चलाया, तभी बहुत से पुराने पार्षद जो जीत के आए, 10 पार्षद हैं इस कॉरपोरेशन के अंदर जो पिछली कॉरपोरेशन में भी थे। ट्यूलिप गार्डन उसकी बात है, ट्यूलिप स्काई बस और आज आपका जो क्या कहते हैं रोप वे आपको मई में दिखेगा। इस सरकार ने आते ही अभी भी मैं कहता हूँ बड़ा, कल मेरे को मेयर और डिप्टी मेयर बने, अब सरकार ने जन्मत दे दिया था, प्रभारी मंत्री जी कह रहे हैं पिछले कामों की इंक्वायरी करेंगे। भैया पिछले कामों की इंक्वायरी करनी है, नोटबंदी पे आपने क्या कहा था, बेरोजगारों को 15-15 लाख, आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसा कहता रहा, राष्ट्रीय नेतृत्व आपका 15-15 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में डालता रहा, 2 करोड़ बेरोजगारों को देश के अंदर रोजगार देने की बात करता रहा। आपके घोषणा पत्र में जो 3.5 साल पहले सरकार आई है, आपने 1 लाख 1 साल में उस आपके जो आपका विजन डॉक्यूमेंट भारतीय जनता पार्टी का आया था, आपने लोगों को रोजगार देने की बात की थी, वो तो आपने किया नहीं। आप कल ही जन्मत दिया और कल ही आप कह रहे हो, आप ये कहते कि धर्मशाला की जनता ने हमारे को जन्म दिया है, धर्मशाला की दूसरी राजधानी जो वीरभद्र सिंह जी देखे, वो दूसरी राजधानी अब भारतीय जनता पार्टी इसको देगी। नोटिफिकेशन हमारी को कैंसिल किया गया, तो हम ये चाहते हैं कि शहर आगे बढ़े, काम हमने किया, इस काम को वो आगे ले जाएं, बजाय इसके पिछले की वो परिचर्चा करें, पिछले की परिचर्चा भारतीय जनता पार्टी करेंगे तो हम बता देंगे चाय के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री क्या कह के गए थे, चंबा के रुमाल के लिए क्या आज कहां है, वो पेटेंट करने की बात कही थी, वो छोटे मोटे पद पे नहीं है। तो भारतीय जनता, और आज हम श्वेत पत्र मांगते हैं, 3.5 साल हो गए, बेरोजगारी पे आपने कहा था, मैं कहता हूँ लॉकडाउन के दौरान जो लोग घर आए थे, वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो घर में बैठे हुए लोग हैं उनको दोबारा, मल्टीनेशनल कंपनी बार बार मना कर रही है, उनको दोबारा भेजो, श्वेत पत्र जारी करें। लॉकडाउन 1 से पहले हिमाचल में कितनी बेरोजगारी थी, और लॉकडाउन और कोरोना जो चला हुआ है, जो घर में बैठे हुए, तो उस पर तो कोई सब कमेटी बैठ नहीं रही है, उस पर तो परिचर्चा, बेरोजगारी पे तो परिचर्चा हो ही नहीं रही है। और कुल मिलाकर हम ये चाहते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में आज बेरोजगारों का है, तो हम ये चाहते हैं कि बेरोजगारी पे वर्तमान जो सरकार है, हम फिर लौट के आते हैं नगर निगमों पे लौट के आते हैं। पठानी जी, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल के 4थे साल में नई नगर निगमें बनाई, नगर निगमें नहीं बनाई, चुनाव भी करवा लिए, पार्टी चिन्हों पे। कांग्रेस ने चुनौती दी कि पार्टी चिन्ह पे चुनाव करके दिखाओ, स्वीकार की, चुनाव करवाए, रिजल्ट नतीजे सबके सामने हैं। पर क्या आपको नहीं लगता है कि अब ये आलोचना जो कांग्रेस कर रही है कि भाई नगर निगमों का ये फैसला गलत है, ये आपके नजरिए से क्या है? नहीं, नगर निगमों का जब फैसला ले लिया था विधानसभा के अंदर, हमारे नेता प्रतिपक्ष और सभी ने उसका स्वागत किया, जब नगर निगम में इन्होंने नहीं कभी भी, कल को मैं कहता हूँ राजेश जी, सरकारें आनी और जानी है, ये तो कभी नहीं आनी, मैंने बनाई, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बनाया, बायस परमार हिमाचल प्रदेश के निर्माता हैं, निर्माता इसलिए कहा जाता है कि उस समय हिमाचल प्रदेश, उन्होंने हिमाचली की लड़ाई दिल्ली के अंदर लड़ी, हिमाचल प्रदेश बना, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हिमाचल मैंने बनाया, लोग कहते थे कि बायस परमार निर्माता है, रामलाल ठाकुर जी ने आगे चलाया, श्री शांता कुमार जी आए, बीच में वीरभद्र सिंह जी आए, फिर आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी आए, किसी ने ये नहीं कहा, मैंने नहीं, हिमाचल प्रदेश के लोगों की सब कमेटी वीरभद्र सिंह जी ने बनाई थी, मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल की सरकार, लोगों की सरकार थी, पालमपुर के अंदर भी सब कमेटियां थी, सोलन के अंदर भी सब कमेटियां थी, और उसमें लोगों के रेजेंटमेंट थी कि ग्रामीण लोगों को शामिल करना नहीं करना, ठीक है, उस समय की सरकार हमारा फैसला नहीं ले पाई, हम स्वागत योग्य है जयराम ठाकुर जी का ये कदम कि उन्होंने कारपोरेशन बनाई, लेकिन ये ना कहीं कारपोरेशन पालमपुर के लोगों की कारपोरेशन है, पार्टी चिन्हों पर चुनाव कांग्रेस पार्टी ने भी कराए, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा, सीपीएम का जब चौथे साल में वैसे ना बड़ा रिस्क रहता है, नहीं, उन्होंने फैसला लिया, बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन उस ऐतिहासिक फैसले पे अब मैथमेटिक्स पे भी तो जाओ, 3 में से 1 हंग आई है, खरीदो फरोख्त, आपके हम आपको जिला कांगड़ा बैठे, खरीदो फरोख्त से तो क्लियर होगी, खरीदो फरोख्त से एक क्लियर कट मेजोरिटी पालमपुर के अंदर और मंडी के अंदर, मुबारकबाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय को, मंडी सोलन और पालमपुर क्लियर कट मैंडेट है, यहाँ हंग ये नहीं कह सकते हम क्लियर कट मैंडेट आया, आपको इंडिपेंडेंट लोगों का आप हंग क्यों कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सर्वजन को टिकट देती, वो जीत के आता, हम कहते ही 7 के 8 के 9 हो गया और इनके पास मेजोरिटी थी, आपने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी
यहाँ के स्थानीय एमपी, स्थानीय एमएलए, सारे लोग यहाँ का संगठन बैठा, दो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रैवल खड़े हुए, उनको जब शामिल करके आपने भारतीय, ये याद रखे जो भारतीय जनता पार्टी की कारपोरेशन नहीं है, जिन लोगों ने वोट डाले ना उन्होंने कमल के फूल को वोट डाला ना ही उन्होंने हाथ पे वोट डाला है, उन्होंने कमल के फूल को और हाथ को रिजेक्ट किया है, उस दोनों चीजों को उन्होंने जब उन्होंने उनके और समर्थन मिला है, तो ये ठीक है अब क्योंकि सत्ता में सरकार के अंदर सब कुछ चलता है, लोगों की नजर में भारतीय जनता पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर बन गया। वास्तव में ये जो हमारा डिफेक्शन लॉ है, इंडिपेंडेंट जीते हैं, ये इंडिपेंडेंट से सपोर्ट लेकर जो है मेयर और डिप्टी मेयर बने हैं, और मैं मेयर और डिप्टी मेयर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी। तो आपको लगता है ये आलोचना गलत है? ये बिल्कुल आलोचना गलत है क्योंकि क्लियर कट मैंडेट है, ठीक है, खरीदो फरोख्त से सरकार बनाई है, क्या क्या पुल एंड प्रेशर चले हैं वो अब है। अगर उनको लगता कि सर्वचंद पॉपुलर आदमी है, कितने सर्वे सरकार ने कराए, प्रभारी मंत्री 3 महीनों से पहले से यहाँ घूम रहे थे, तो वो सब कुछ सरकार का लगाने के बावजूद भी कुल मिलाकर वहाँ उनकी 8 सीटें जो हैं वो आई हैं। अगर उनको लगता था कि ये उसके बाद प्रभारी मंत्री और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके घर क्यों गए? उन्होंने धर्मशाला को कांग्रेस जीत के मान के चली हुई थी, नहीं आप कहाँ पिछड़ गए? बिल्कुल कहीं ना कहीं देखो ना, अब ये लोगों का फैसला है, हमने तो संगठन ने काम किया था कहीं ना कहीं, और उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, प्रदेश अध्यक्ष हमारा वरिष्ठ जो नेतृत्व है वो कहीं कुछ ना कुछ सोच रहा हो, इसका जरूर हम हल निकालेंगे जो कोई गलती हुई। इतना तो मानते हैं ना कि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर है, नहीं ये आप मान लो, अगर भारतीय जनता पार्टी के आप धर्मशाला के परिप्रेक्ष्य में ओवरऑल नहीं, अगर ओवरऑल हमारा संगठन कमजोर होता तो भारतीय जनता पार्टी का नेशनल प्रभारी हर वार्ड में गया है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री और मंत्री पहली बार हुआ है, कारपोरेशन मुख्यमंत्री बहुत रहे, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी भी 6 टर्म रहे हैं। आज मैं कहता हूँ आपके दिव्य हिमाचल के इस चैनल के जरिए उनको मैं कहता हूँ जल्दी से वो स्वास्थ्य हों, कोरोना पॉजिटिव वो और उनका बेटा मैक्स के अंदर है, हिमाचल प्रदेश की जनता को उन्होंने मैं कहता हूँ हिमाचल मॉडर्न हिमाचल प्रदेश के वो निर्माता हैं, आप दिव्य हिमाचल के चैनल से हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से उनकी मैं स्वास्थ्य होने की कामना चाहता हूँ कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को और जिला कांगड़ा को बहुत कुछ दिया है। बात संगठन की है, जहाँ संगठन की बात है, संगठन अगर हमारा संगठन कमजोर होता तो 4-0 होती, अगर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी और सारी सरकार लगी है, पुल एंड प्रेशर लगे हैं। बोलते हैं कि कांग्रेस जो भाजपा जो है वो संगठन आधारित पार्टी है, कांग्रेस के जो मास लीडर हैं भैया लहर बनाते हैं, उसके बाद जीवन जी मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये लोगों में एक दिमाग में परिकल्पना की भारतीय जनता संगठनात्मक, अगर वो संगठनात्मक पार्टी थी वही एक्सरसाइज उन्होंने सोलन में की, वही एक्सरसाइज उन्होंने पालमपुर में की, वही एक्सरसाइज उन्होंने धर्मशाला के अंदर की, अगर उनका संगठन इतना ही मजबूत होता तो 4-0 होते, ये तो 2+1 है और एक है, मतलब जो जन्मत आया है, जन्मत क्लियर कट मैंडेट नहीं है। आपने कहा जो जीता वही सिकंदर जी, तो वो तो जीत गए, जीत तो पठानिया जी जीत जीत में मेयर डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी का बना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जन्मत नहीं मिला, कोई धर्मशाला के अंदर कह दे कि जन्मत मिला, बन गया जो जीत गया वो सिकंदर मेयर और डिप्टी मेयर, और मैं यही चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर बनाए आने वाले समय में, धर्मशाला विकास की ओर बढ़े, ये मेरी आशा। आप कांग्रेस के महासचिव हैं, बहुत बड़े पद पे रहे हैं, पहले आप NSUI में रहे हैं, युवा कांग्रेस के लंबे अरसे तक आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल पठानिया जी जो जीवन जी ने भी उठाया कि संगठन कहीं ना कहीं कांग्रेस का छितरा हुआ है, एक दिशा में नहीं, आपने कहा अगर हम नहीं होते तो हम 4-0 होते, लेकिन अगर भाजपा उस दिशा में जा रही है, भाजपा कह रही है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं भाजपा का सिपाही हूँ, पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई है चुनावों में, कांग्रेस के कई ऐसे चुनाव आए, कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने कि कांग्रेस के कई बड़े नेता कन्नी काट जाते हैं, इस इन चुनावों में तो नहीं कन्नी, कांग्रेस कन्नी काटती थी लंबे समय तक, हमारे को हिमाचल प्रदेश की जनता सत्ता में नहीं रहने देती, कांग्रेस के लोग सच को सच कहते हैं और उसी का रिजल्ट कारपोरेशन में मिला और 2022 में भी मिलेगा। मैं कहता हूँ महंगाई आज इतना बड़ा मुद्दा है जी, महंगाई और बेरोजगारी यही, ये मैं कहता हूँ आज़ाद भारत के बाद पहली बार गैस सिलेंडर जो है 1,000 रुपये पहुँचा है, पेट्रोल जो है पेट्रोल और डीजल की जो है वो इन दोनों की बराबर, जबकि इंटरनेशनल अगर आप उसके मार्केट में उसकी वैल्यू देखो पर गैलन देखो तो मैं कहता हूँ मनमोहन सिंह का कंपैरिजन किया जाए तो आज तो 40 रुपये हमारे को पेट्रोल मिलना चाहिए और डीजल मिलना चाहिए। जी विपक्ष कहाँ है? नहीं विपक्ष ये मुद्दे क्यों नहीं उठा रहा है विधानसभा में क्यों नहीं मसले उठा रहा है विधानसभा में? मैं आपको 4 महीने से किसान अपनी बात, ये ऐसी अलोकतांत्रिक सरकार है, ये सरकार तो कान बंद की है, दो आदमियों की सरकार है, अदानी ठीक कहते हैं राहुल गांधी, अदानी और अंबानी की सरकार
का 4 महीने 3 दिन हो गए, आज मैं कहता हूँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बात करने के लिए वर्तमान सरकार तैयार नहीं है, महंगाई पे बात करने पे वर्तमान सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है, बेरोजगारी पे। मन की बात 73वां संस्करण, मन की बात आप करो, शिक्षा के साथ लोगों के साथ चर्चा करो। जिन लोगों ने इंडियन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके साथ कभी रोजगार की बात भी मन के साथ, मेरे बच्चों, हिंदुस्तान के बच्चों, मेरे को आप मेरे साथ चर्चा करो। आपने बीटेक सिविल में किया है, आपने फैशन एंड टेक्नोलॉजी में ये किया है, आपने ऑलरेडी मेडिकल PGI से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से आपने DM किया है, आप हार्ट के एक्सपर्ट हो, आप ऑर्थो के एक्सपर्ट हो, अब मैं आपको वेल प्लेस्ड करूंगा। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान सरकार के जो नेता हैं वो घूमे थे, उन्होंने ये कहा था रोजगार हो, कहा था मैं रोजगार दूंगा, उस पे हमने 73 संस्करण हो गए, बेरोजगारी पे चर्चा हमने नहीं की। मन की बात जो लेटेस्ट हुआ पेट्रोल और डीजल की बात उन्होंने की उल्टा, मैं कहता हूं कुल किसानों की जहां बात है, हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं, हम शायद नेशनल परिप्रेक्ष्य में पहुंच गए। प्राणिया जी, आप भावनाओं में बह गए थोड़े से, हम फिर सोलन पे आते हैं। सोलन में आपने जीत दर्ज की और जाहिर तौर पे विधायक राजेंद्र राणा और आपको जीत का सेहरा आपके सिर पे बंध रहा है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहाँ, नई जोड़ी की जीत है वहाँ, पहली बार आप दोनों एक साथ उतरे हैं पार्टी के लिए वहाँ। आपको क्या लगता है कि भाजपा के खिलाफ लोगों में आक्रोश था या आपकी कोई विशेष रणनीति वहाँ काम कर गई? यहाँ संगठनात्मक रणनीति भी काम की और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शहर के अंदर जो महंगाई में आप बेरोजगारी महंगाई और वहाँ खासकर जो चौथे दिन लोकल इश्यूज भी इस चुनाव में थे, पानी में सोलन की जनता को चौथे दिन पानी मिलता है, गार्बेज कलेक्शन की वहाँ बात है, पार्किंग की वहाँ बात है, इन कारपोरेशनों में जहाँ मैं कहता हूँ महंगाई और राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे थे, वहाँ लोकल मुद्दे भी थे। और लोकल मुद्दों में जो कैटलिस्ट का काम करता है वो करता है संगठन। हम किस तरीके से वहाँ, जब मैं प्रभारी लगा था उससे पहले ही 3 या 4 प्रदर्शन हमें महंगाई पे किए, महंगाई के साथ साथ एक जिला परिषद का वहाँ इंसिडेंट हुआ था, जिला परिषद के बैलेट पेपर आपने भी छापा था, बैलेट पेपर मिले थे, चुनावों की मतगणना होगी और एक बैलेट पेपर हम परमाणु कूड़े में मिल रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का भद्दा मजाक है। उसमें से लेकर महंगाई को लेकर, सोलन की जनता की जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर, उसको कांग्रेस ने अच्छे तरीके से वहां, जब मैं इसमें धन्यवाद करना चाहता हूं कर्नल धनराम सांडल जी का वहां, और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार जी का, ब्लॉक के संजीव का, सारी टीम ने वहां काम किया और हमने उन इश्यूज को लोगों, आपने आपने वहां पानी का मसला उठाया कि पानी के मसले को लेकर आप गए जनता के बीच में और जनता ने आपको समर्थन दिया। जी जी, मैं आपको याद दिला दूं, पिछली जब वीरभद्र सिंह की सरकार थी तो कर्नल धनीराम शांडिल मंत्री थे जी, तो क्या वो सोलन के लिए कोई पेयजल योजना नहीं ला पाए? नहीं, पेयजल योजना उन्होंने, पानी की समस्या क्यों हो रही है? पानी की इस बार वर्तमान विधायक वो है, क्या विधायक प्राथमिकता में उन्होंने योजना नहीं डाली है कोई शहर के लिए कि मेरा इतना बड़ा शहर है? भाई 432 करोड़ रुपए की 30% काम हो चुका, 432 करोड़ रुपए की वहां के विधायक धनीराम शांडिल जी ने स्कीम बनाई थी, जैसे ही सरकार, यही तो रोष था। पानी पिछले 2-2.5 साल से और इस साल से बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ, ये जो वर्तमान हमारा करंट ईयर चला, पानी अच्छे तरीके से दिया तो भी तो दोबारा विधायक बन के आए, लेकिन जैसे ही सरकार आई उस स्कीम का इन्होंने, मैं कहता हूँ बिल्कुल काम जो है बंद कर दिया, और उसी का ही रोष निकला कि आज वहाँ कारपोरेशन जो है वो कांग्रेस पार्टी। दुर्भाग्य यही है कि वो स्कीम भी 5वें साल आई, नहीं 5वें साल नहीं आई, इतनी बड़ी स्कीम पे काम हो रहा, उसकी DPR बननी थी पानी, मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर धनराम सांडल जी ने अच्छा काम किया था तभी तो उसको दोबारा विधायक सोलन की जनता ने बनाया जी। तो अब कहीं ना कहीं उनको लगा कि जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार है सोलन के इन मुद्दों को इग्नोर कर रही है, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुना। अब क्या रणनीति रहेगी? मेयर, डिप्टी मेयर कहां देखते हैं? मेयर डिप्टी मेयर अब 16 तारीख को चुनाव होगा और कांग्रेस पार्टी के जो जनमत आया है मेयर और डिप्टी मेयर बनेंगे, और हम उनसे भी विनम्र प्रार्थना करेंगे, वहां का मैं बतौर प्रभारी वहां भी 1 महीने के अंदर जो विजन डॉक्यूमेंट हमने भी दिया है, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने मंडी के अंदर दिया, कांग्रेस ने जो विजन डॉक्यूमेंट दिया उस विजन डॉक्यूमेंट पे जो है वो कारपोरेशन जो है जैसे ही टेक ओवर होगी वो कामकाज स्टार्ट करेगी। आपने देखा कॉर्पोरेशन के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का बहुत सा पैसा आता है, चाहे हमारी पानी की स्कीम हो चाहे सीवरेज की स्कीम हो, तो कुल मिलाकर उस पैसे का ठीक सदुपयोग हो, और जो हमने लोगों के साथ वादे किए उन पे अगर हम खरा उतरेंगे तो 1.5 साल के बाद फिर हमारा टेस्ट है, विधानसभा का चुनाव है। जी, जी। अगर कॉर्पोरेशन के मेयर डिप्टी मेयर वो चुने हुए पार्षद है, ईमानदार पार्षद है, वो जीत के आए अच्छा काम करेंगे, तो मैं कहता हूँ अंततः रिजल्ट जो है वो आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिलेगा उसका। सोलन में ट्रैफिक बड़ी बहुत बड़ा इशू है सोलन सिटी में, तो क्या आप इसी मंच से अश्योर कर देंगे कि 1 साल में आप कितना सुधार कर पाएंगे? मैं जीवन जी, मैं तो संगठन का प्रभारी हूँ,
जब वहाँ 16 तारीख को जो छोटी सरकार बननी है, छोटी सरकार बन जाएगी, उसके बाद वहाँ के स्थानीय विधायक और जो हमारे जो विजन डॉक्यूमेंट के आदरणीय राणा जी, हर्षवर्धन जी, बरागटा जी और सारे लोग बैठ के सोलन की जनता को के साथ, चाहे वो ट्रैफिक पार्किंग की समस्या हो, पानी की समस्या हो, जो भी समस्या हो, उस पर हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल सिंसेयरली काम करें। और सोलन की जनता ने अगर जनमत दिया तो सोलन की आशाओं के और आकांक्षाओं पर जो है वर्तमान कांग्रेस पार्टी और यहाँ के मेयर और डिप्टी अच्छे तरीके से उतरे। ढाणिया जी, अभी जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया कि वरिष्ठ का जिक्र चला कि पार्टी के सभी नेता एक साथ एकजुट होकर एक दिशा में चले और शायद इसीलिए जीत भी आई, तो ये फैक्टर जो आपने कहा चले, ये धर्मशाला में इतने वरिष्ठ आपकी पार्टी के रहे, आप मंडी में आओ, बाली जी वहाँ रहे, तो क्या लगता है आपको कि अभी आपकी जो यंग जोड़ी वहाँ उतरी है सोलन में, क्या लगता है कि वरिष्ठों से आप आगे कैसे बढ़ गए? क्या नहीं, कुल मिलाकर संगठन में मैं कहता हूँ बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवानों का जोश, दोनों का कम्बिनेशन इकट्ठा चलेगा तो 2022 मिशन 2022 जो है कांग्रेस पार्टी जो है जरूर हिमाचल प्रदेश की जनता के बदौलत हम इसको जो हमारा अगला टारगेट है 2022 उस पर हम, मैं कहता हूँ हिमाचल पे कारपोरेशन पे भी काम करो, हिमाचल के हितों की बात भी हम जरूर करेंगे। और मैं आपको बता दूँ ये खासकर जो खाद आजकल बहुत बड़ा एक इशू है, खाद का मूल्य मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे रिकॉर्ड प्रदेश सरकार ने बना दिए कि खाद का मूल्य मैं कहता हूँ 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो आप बोल रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल वही से ही है कि कांग्रेस के लोग ऐसा क्यों, ना वो सूखे पे बोलते हैं, ना वो खाद पे बोलते हैं, ना वो 4 लेन पे बोलते हैं, ना वो ट्रैफिक पे बोलते हैं, ना वो लवारिस पशुओं पे बोलते हैं, ना वो गोसदनों पे बोलते हैं, इस पे ये चीजें तो विपक्ष को उठानी चाहिए। विपक्ष उठाता रहा ऐसा नहीं, और आपने अगर आपने ये कहा तो इस पे जब अब हमारी कांग्रेस पार्टी की बैठक होगी, ये नहीं, ये आपने बिल्कुल कहा, बड़े अच्छे इशू है, यही वास्तव में लोगों के इशू है। गौसदन की बात नहीं कही, गौसदन की बात भी कांग्रेस करती है, लेकिन हमारे को बड़े लेवल पे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो खाद का मुद्दा हो, चाहे वो मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस हो, ये सारी उस पर बातों कांग्रेस को अब हमारी कॉरपोरेशन के चुनावों के बाद अब बैठक होगी, उसमें हमारे को क्लियर कट रणनीति प्रदेश के अंदर तय करना पड़ेगी और इन इश्यूज को लेकर ही हम जनमानस पे जो जन जागरण अभियान हम चलाएंगे, जनमानस के बीच हम जाएंगे। पठानिया जी, आपकी इमेज एक कांग्रेस के जोशीले, संघर्षशील और ऐसे कार्यकर्ता के रूप में रही है जो कहीं भी पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए जुट जाते हैं। जंतर मंत्र पे आपने प्रदर्शन किए, वहाँ डंडे तक आप पे बरसे, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि संगठन में ऐसे कार्यकर्ताओं की कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है? मैं आपको बताऊं कि आपने बड़ा पुराना जख्म केवल पठानिया का छेड़ दिया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष 8-9 साल हिमाचल प्रदेश भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन रहा, उससे पहले मैं राष्ट्रीय महामंत्री एनसीआई कर रहा हूँ, और उसमें मैं मेरे पास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, बॉम्बे, बड़े बड़े दिल्ली विश्वविद्यालय को लगातार मैं पैनल जो है लगभग 8 या 10 साल कंटिन्यू मैंने लीड किया, जेएनयू में छात्र राजनीति करने का, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिला। ये जो घटना आपने बताई, ये भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, मैं राजस्थान का प्रभारी था, उस प्रभारी, और वहाँ एक गर्ल्स हॉस्टल में रेप केस हुआ, उस रेप केस को लेकर मैं 10,000 हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षता अलका लांबा थी एनसीआई की, हमने सभी महामंत्रियों ने, प्रदेश के, देश के जो हमारे पदाधिकारी थे, हमने सबने प्लान किया, जंतर मंत्र पे हमने प्रदर्शन किया, 10,000 लड़के लड़कियां वहाँ इकट्ठे हुए, और जब हमारे उप प्रधानमंत्री दोपहर को भोजन के लिए जा रहे थे तो तब क्योंकि थोड़ा मैं अब तो मैं बड़ा कम हूँ, वाइब्रेंट लीडर मेरे को माना जाता, और मैंने पुलिस वाले की वो डीसीपी की वो छीन कर, और मैंने पत्थर, सामने से गाड़ी जा रही थी और पत्थर मार दिया मैंने, होम मिनिस्टर की गाड़ी जी। और इतना बड़ा लाठीचार्ज हुआ, 2.5 दिन मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एम्स में अनकॉन्शियस रहा। मैं उतने बड़े परिवार से नहीं, क्योंकि मेरे घर में टेलीफोन था जी। मेरे घर वालों को भी पता नहीं था कि मैं मेरे जो सहयोगी थे सब ये कहते थे कि श्रद्धा सुमन केवल पठानियों को अर्पित कर दिए, तीनों दांत, ये तीनों दांत उसमें के लगाए, दांत वहीं लगाए, तीनों दांत टूट गए। 2.5 दिन मैं अनकॉन्शियस रहा, 2.5 दिन के बाद मेरे को होश आई, और फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी ये कोई फ्लोर ऑफ द हाउस, उसी दिन राज्यसभा का बॉयकॉट और जुडिशियल इंक्वायरी मांगी गई केवल पठानी के लाठीचार्ज पे, लोकसभा जो है वो बॉयकॉट की गई और जुडिशियल इंक्वायरी मांगी गई। तो मैं ये अपने रैत गांव से लेकर प्रदेश सरकार, देश स्तर पर जो काम करने का मौका मेरे को पार्टी ने दिया, और ये जरूर है मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ जी जी। जो चैलेंज, क्या अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है? क्यों? क्योंकि भाजपा आप पे सीधा सीधा आरोप लगाती है कि भाई आप अपने प्रदेश अध्यक्ष जब आपके कार्यभार संभालते हैं तो कांग्रेसियों में आपस में कुर्सियां चल पड़ती हैं।
कांग्रेस भाजपा या सरकार की नीतियों का विरोध करने के बजाय आपस में एक दूसरे का विरोध करने लगे। भाई हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को पारसी का, ज्वालामुखी आप भूल गए हैं जी। आप जयराम ठाकर की जब ओथ होनी थी आप भूल गए हैं, प्रेम कुमार धूमल जी और जयराम ठाकर के बीच में क्या कस, ये वर्तमान 2.5 साल 3 साल पहले कसम कस चल रही थी लात घुंसे जो जयपुर, ये सत्ता संघर्ष है, ये सत्ता संघर्ष है। और मैं कहता हूँ ज्वालामुखी चिंतपूर्णी कांग्रेस पार्टी नहीं भूली है। आपने राष्ट्रीय नेता के ऊपर, मैं बोलना नहीं चाहूंगा आपके टिप्पणी, क्या 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 कारनामे भारतीय जनता, ये संगठित पार्टी है। और आज मैं कहूँगा, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी हिंदू संस्कार की बात करती है कि हम जो है हिंदू बड़े संस्कारी हैं। भैया आपने तो बुजुर्ग हमारे आदरणीय हैं, आपने जो देश में और प्रदेश में शांता कुमार का क्या विजन था, आपने आज नहीं कल, ये मैं कहता हूँ देवी देवताओं की भूमि है, आज नहीं कल आपने बुजुर्गों को किस तरीके से, मुरली मनोहर जोशी जैसे आदमी, एल के अडवाणी जैसे आदमी, आपने जो रिश्तों को, हे मेरे भगवान, इन संस्कारों को सत सत नमन करता हूँ, जिन संस्कारों में ये लिखा है कि बुजुर्गों को सीधे ही दादा दादी हो जाए तो उठाओ और साइड में कर दो, तो ये संस्कार और लात घुसे की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करे, पहले अपने गरेबान में झांक के देखे जो लोग, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पैदा की उन लोगों पे परिचर्चा करें, आज वो कहाँ हैं कांग्रेस के अंदर। मैं कहता हूँ संस्कार 15 अगस्त 1947 से लेकर हमने आजादी दिलाई थी, आज तक हमारे संस्कार चल रहे हैं, कभी ऐसा नहीं किया जाता है। ये चीजें कहीं ना कहीं तो चलो भाजपा में है, आप कह रहे हैं भाजपा में है, कांग्रेस में भी तो है। एक मैं बताता हूँ, एक धड़ा चाहता है वीरभद्र सिंह चले मुख्यमंत्री के रूप में, दूसरा धड़ा चाहता है जीएस बाली चले, तीसरा धड़ा चाहता है सुधीर शर्मा चले, चौथा चाहता है कौल सिंह ठाकुर चले, ये है क्या है? मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री हो या कोई छोटा सा एक नौकरी हो, प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए, जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी आदमी कंपटीशन के लिए तैयार नहीं होता है। पर ऐसी तो, प्रतिस्पर्धा भी नहीं होनी चाहिए कि पूरे संगठन की ही मटिया मेट कर दे। नहीं ऐसा नहीं, राष्ट्र हमारी सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, और जो कांग्रेस पार्टी शुक्ला जी हमारे प्रभारी हैं, कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाएगी और ये सब लोग इकट्ठे, आपने क्या होता जिनके आपने नाम लिए, क्या ये जब सरकारें नहीं कैबिनेट में कांग्रेस पार्टी में मंत्री नहीं रहे, क्या उनका योगदान नहीं रहा है? कुल मिलाकर जब अपोजिशन में हम होते हैं तो लगता है, हर आदमी को लगता है और लोगों को ये भी लगता है कि लगातार वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश को एक सक्षम नेतृत्व दिया है, तो लोगों को ये लगता है कि आज हर आदमी ये, लेकिन ये मेरे क्षेत्र अधिकार में नहीं है। सभी वरिष्ठ नेता जो इकट्ठे होकर आने वाले समय में लड़ेंगे और ये प्रभारी और राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगा और कांग्रेस पार्टी जो है सभी वरिष्ठ नेताओं को लेकर आगे बढ़ेगी। शाहपुर से जुड़ा ना एक और सवाल है, चंबी मैदान है, ये शाहपुर का एक पहचान है चंबी मैदान से, लेकिन इतने सालों में आपसे भी, आपके घर है वहाँ, आपसे वहाँ तो एक अच्छा मैदान बनना चाहिए था इतने सालों में, लेकिन उस तरह से वो विकसित नहीं हो पाया, हालांकि हुए हैं हल्के फुल्के काम हुए हैं, लेकिन जो एक नेता से उम्मीद होती है पूरे हल्के को पूरे जिला को, वो लगता कि कहीं ना कहीं कमी रह गई। आपने आते जाते जरूर देखो ना 5 करोड़ 10 लाख रुपया मैंने, क्योंकि वो बहुत बुरी हालत थी उसकी, वो शाहपुर रैत के लिए, रैत ही रैत मेरा गाँव है, रैत जो शाहपुर रैत का मैदान, वो जिले कांगड़े का सबसे बड़ा मैदान है। आपने देखा कोई भी प्रधानमंत्री लीडर अगर किसी ने आना है तो सीधा वही, तो उस पर 5 करोड़ 10 लाख रुपया, और मैंने 5 करोड़ रुपये का प्रपोजल, आपने देखा होगा आते जाते देखना सामने रेलिंग लगी है, जैसे गवर्नमेंट आई ये 5 करोड़ 10 लाख रुपये का प्रोजेक्ट है। वो इसलिए सरवीण चौधरी ने रोका क्योंकि फाउंडेशन स्टोन वीरभद्र सिंह जी से केवल सिंह पठानिया ने रखवाया है, मतलब राजनीतिक अखाड़ा बन गया है रैत का ग्राउंड, और देखना 1.5 साल के अंदर पैसा डाइवर्ट हुआ है, 85 लाख रुपया पहली किस्त ही खर्च नहीं हुई है, ठेकेदार को हम तो जरूर जवाब चाहेंगे, और उस पीडब्ल्यूडी के एक्शन की जिसने डाइवर्ट किया है इसमें आएगी सरकार आएगी पक्का, इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे, क्योंकि खेलों के मामले को लेकर, क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ, मैंने इस ग्राउंड मैं बताऊँ राजनीति में जाना नहीं चाहता था, मेरे से कोई पूछे राजनीति मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था, मैं तो 7वीं क्लास में इस ग्राउंड से जूनियर नेशनल खेला हूँ, मैंने 5 इंटरवर्सिटीज 6 इंटरवर्सिटीज खेली या 3 जूनियर नेशनल खेले, और मैं मेरा कुल मिला के गाँव का रहने वाला, तो मेरा तो मन ये था कि मैं आराम से कहीं भर्ती हो जाऊंगा, इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, मैं सेटिस्फाई था उसने, लेकिन उसी मेरी स्पोर्ट्स की जो मेरी ईमानदारी थी, मैं मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था जिस दिन मैं गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला गया था, जिस दिन मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन सोलन कब जा रहे हैं? सोलन कब? मैं अब रात को निकल जाऊंगा जी, हाँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं वैसे तो सोलन से आना नहीं था, लेकिन ये अब जहां से मैं आ रहा हूं नौजवान साथी 31 साल का कल जो एक्सीडेंट हुआ है चंबा के अंदर, वो हमारे बड़े सहयोगी मेरे मित्र थे, उनका छोटा भाई था,
तो इसलिए मेरे को रातों रात आना पड़ा, बस वहीं से सीधा मैं आ रहा हूँ और आप यहाँ से घर जाऊँगा और अपना बैग उठाऊंगा और सीधा सोलन के लिए निकल जाऊँगा। मेरा अंतिम सवाल, हम अपने आखिरी पड़ाव पे इंटरव्यू के पहुँच गए, अंतिम सवाल, जो दो बार आपने टाला है, अब सोलन में क्या रणनीति आपकी? हमारी सोलन में ये रणनीति है कि 16 तारीख को हम 9 के 9 पार्षद जाएंगे जी। और 11 बजे वहाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एक इंडिपेंडेंट काउंसलर ने ओथ नहीं ली है, तो सटीक मेरे जवाब है कि पहले उनकी ओथ होगी, ओथ के बाद जो है वो वहाँ इलेक्शन होगा। और मेयर और डिप्टी मेयर जिस तरीके से पहले हमारी रणनीति रही है, ठीक है, बीच में दबाव दो सरकारों के चलेंगे, और मैं कहता हूँ जो मैं फिर मैं नाम लेना चाहूँगा जैसे होगी और पार्टी के अध्यक्ष सब लोग जो काम कर रहे हैं, हम इकट्ठा होकर ये चाहेंगे कि सोलन की जनता का जो सेंटीमेंट है, उस सेंटीमेंट जो वर्डिक्ट आया है, मेयर और डिप्टी मेयर हम कांग्रेस का बनाएंगे जी। तो पठानिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका दिव्य हिमाचल का और दिव्य हिमाचल की सारी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो ये थे हमारे साथ केवल सिंह पठानिया जी, जिन्होंने सोलन में वो कर दिखाया है जो आज तक कांग्रेस के इतिहास में शायद किसी ने नहीं किया है। तो अपनी चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं, अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना के महासंकट के बीच हम चाहते हैं कि आप 2 गज की दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और हाँ, देश और प्रदेश की तमाम जानकारी के लिए दिव्य हिमाचल टीवी देखते रहें, दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पढ़ते रहें, और हमारी वेबसाइट लॉगिन करना ना भूलें, www.divyahimachal.com। तब तक नमस्कार।